गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ। मैं अजय और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि एग्री, दैट मींस सॉइल, और साथ में कल्चर, दैट मींस कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर सिंपल वर्ड्स में क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। तो हम आपके साथ करेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे ही ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें आंसर्स बताने हैं इनके। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? तो जैसे हमने अभी एग्रीकल्चर की सिंपल डेफिनेशन दी थी कि लाइक एग्रीकल्चर इज सॉइल कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एग्री, दैट मीन्स सॉइल, एंड कल्चर विच मीन्स कल्टिवेशन। तो इसी के साथ जो हमें आंसर यहाँ पे है, तो इसमें क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, फ्रूट्स इनकी कल्टीवेशन होती है, वेजिटेबल्स की होती है, फ्लावर्स की होती है और लाइफ स्टॉक्स की, जिसमें हम जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, जिसमें हम गायें बकरियां या फिर इनके इस्तेमाल से भी अपना कमर्शियल नीड्स पूरी करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। तो कौन से फैक्टर हैं जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? ठीक है, ओके, प्रभाव डालते हैं उस पर। ओके, ठीक है, ज़रूरी भी हैं, ये ज़रूरी भी हैं। ठीक है, ओके, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी जो है वो एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक है सॉइल का यहाँ पर। ठीक है, ओके, कि सॉइल का मीन उसमें यूजफुलनेस क्या है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स या टाइप ऑफ सॉइल, पूरे के पूरे उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है, और साथ में वहाँ का उस एरिया का क्लाइमेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी किसी भी टाइप के एग्रीकल्चर के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन? और इसी के साथ है, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? तो शिफ्टिंग इसका आंसर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग अ ट्री एंड बर्निंग दम। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये इस टाइप का एग्रीकल्चर है। अरे ये कहाँ चला गया, सॉरी, इसको डिलीट कर देना सर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये इस टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें कि क्या करते हैं, एक लैंड के प्लॉट को क्लियर किया जाता है, सबसे पहले वहाँ के पेड़ों को काटा जाता है और उसके बाद उन्हें बर्न कर देते हैं, उनको आग जला देते हैं। तो द ashes आर देन mixed with soil एंड क्रॉप्स आर grown। तो उसके बाद जो भी उसकी राख बचती है उसे क्या करते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ और फिर उस पर क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इसी के साथ, आफ्टर सम टाइम द लैंड इज abandoned एंड द फार्मर्स मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। तो उसके बाद जब उसको क्रॉप्स ग्रो कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उस लैंड को बैरन छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उस प्लॉट को ही लीव करके जो फार्मर है, जो भी कल्टीवेटर है, वो क्या करेगा, दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरी लैंड को उस कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो इट इज़ डिसएडवांटेजेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन,
और उसके बाद बर्निंग ऑफ ट्रीज। ओके, तो दस इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, एंड ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है एक, ठीक है, जिसमें प्लांट्स को मीन्स पेड़ों को उगाया जाता है। ठीक है, प्लांटेशन होती है, इट्स टाइप ऑफ अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मीन इसमें सिर्फ प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ होती है। ओके, प्लांट्स को ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है इस इस एग्रीकल्चर में। ओके, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है वैसे? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को उगाते हैं और ठीक है, और उसके बदले क्या करते हैं उसको, उसके लिए क्या चाहिए, एक लेबर चाहिए और साथ में कैपिटल चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसका जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं वो लोग, वो नियर बाई की फैक्ट्रीज़ में वो लोग खुद सेल कर देते हैं फार्म से। ओके, तो इसका आंसर सुन लीजिए एक बार, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली अ सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन इज़ ग्रोन। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, तो लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए और साथ में कैपिटल भी, इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, साथ में क्या है इसमें, द प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड इन द फार्म इट्सेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो भी प्रोड्यूस होती है उसको खुद ही वो प्रोसेस करते हैं अपने फार्म में या फिर किसी भी आसपास की फैक्ट्रीज में। तो इसी के साथ फिफ्थ पार्ट, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो ये फाइबर क्रॉप्स हैं अब, ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं हमारी, दो मेजर वो हैं हमारी जूट एंड कॉटन। तो टू मेजर फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। जूट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, तो जूट के लिए जो सॉइल का टाइप है वो एलुवियल सॉइल होना चाहिए। ठीक है, ओके, एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। तो इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हैवी रेनफॉल भी चाहिए, मतलब ज़्यादा बरसात भी चाहिए, इसका टेम्परेचर भी बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और साथ में ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए यहाँ का, ठीक है, फॉर इट्स ग्रोथ। तो इसी के साथ कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। तो कॉटन के लिए भी हाई टेम्परेचर तो चाहिए, बट इसके लिए लाइट रेनफॉल की जो भी रेनफॉल होगी, ठीक है, वो लाइट होनी चाहिए, मीन ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, तो इसमें धूप भी काफ़ी ब्राइट होनी चाहिए। ओके, टेक द करेक्ट आंसर, हॉर्टिकल्चर मीन, तो ये टाइप हैं, मीन टाइप नहीं, ये एग्रीकल्चर में ही आते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, वेटिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पार्ट वन का ए है। तो ए क्या है वो, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मीन्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब, हॉर्टी मतलब प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मीन प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ पे फल और सब्जियों की कल्टीवेशन होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, तो जूट को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जिन जिन के पास टेक्स्ट बुक हैं वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल जो भी है ना वो टेक्स्ट बुक से ही मिलता है। ओके, तो इसका आंसर भी है सी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट, दैट इज जूट। नाउ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज ब्राज़ील, तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी को वर्ल्ड में, तो वो है ब्राज़ील, दैट इज ए, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट, अब हमें बताने हैं रीजंस। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीजंस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट पार्ट है जो, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है,
मतलब सबसे ज़्यादा किए जाने वाली चीज़ या सबसे पहले सोची जाने वाली चीज़ जो भी है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो एग्रीकल्चर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर मीन कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कल्टीवेशन। तो सॉइल को जब भी हम कल्टीवेट करेंगे तो उसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, फ्रूट उगा सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक कर सकते हैं, फ्लावर्स उगा सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ओके, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी सिंस इट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी भी है और ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि हमारे लैंड, वाटर, इन सबको ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है, अपने साथ रखता है ये। ठीक है, इन इंडिया अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डराइव द एक्टिविटी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। तो हमारे इंडिया में जो कुछ ये सब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने सीखा है तो वो हमने ज़्यादातर सीखा है किनसे, अपने पूर्वजों से। ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी इन जनरल फार्मर्स प्रेफर एग्रीकल्चर सिंस दे एक्वायर द रिक्वायर्ड स्किल फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स एंड सो फील कंफर्टेबल विद इट। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो भी है कि लिटरेसी लेवल जो है वो बहुत ही कम है, तो इसी के चलते हुए जो फार्मर्स हैं प्रेफर करते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें अपने एंसेस्टर्स से स्किल्स में मिली हैं। ठीक है, तो वो साथ में कंफर्टेबल भी फील करते हैं इसके साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। अब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उगाई जाती हैं, तो हमें इसका रीज़न बताना है। ठीक है, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर। तो क्रॉप के लिए जैसे हमने बताया था कि लाइक जैसे भी कोई एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होगा तो वो होगा उसकी सॉइल की टॉपोग्राफी और साथ में वहाँ का क्लाइमेट। तो मेन यहाँ पे जो है वो क्या लिखा है, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जो डिपेंड करते हैं हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ पे। ठीक है, तो पहले क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो जो क्लाइमेट है उस एरिया का, वहाँ की ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेनफॉल, ये सब भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ग्रो अ सर्टेन क्रॉप। तो इनमें से किसी भी कंडीशन के एब्सेंट होने से या ना होने से तो वहाँ पर उगाए जाने वाली कोई भी क्रॉप जो होगी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हम लोगों को इनके डिफरेंस बताने हैं, डिस्टिंग्विश करना है कि ये जैसे कि ये हमारी पहला है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंशिएशन है उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये अलग अलग कैसे हैं एक दूसरे से। तो जैसे कि हमारे पास ये आंसर प्री सॉल्व है पहले का, तो इसी में हम देखेंगे और इसी को हम बताएंगे आपसे। एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जिसमें हम किसी चीज़ को खुरेद के निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ में से। ठीक है, जैसे एक चीज़ में से हम दूसरी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको अलग करेंगे उसमें से। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जो एग्जांपल है वो क्या हैं, एग्रीकल्चर, ओके, फिशिंग एंड गैदरिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ओके, एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग होती है उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं,
वहाँ पे होने वाली सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जो उसको मैन्युफैक्चर करेंगी, पैकेजिंग करेंगी, प्रोसेस करेंगी अच्छे से। तो ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरी एग्ज़ाम्पल है बेकिंग ब्रेड, ब्रेड मेकिंग फैक्ट्रीज़, यहाँ ब्रेड मेकिंग के लिए, उसमें भी ये क्या कहते हैं उसे, सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इनमें भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे, इसका डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूजेस लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, द आउटपुट प्रोड्यूस इज स्मॉल। तो ये एक प्लॉट पे किए जाने वाली फार्मिंग है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें कि एक फैमिली जो है, हाउस होल्ड है, जो मतलब घर के लोग हैं फैमिली कंजम्पशन के लिए, जिसको वो लोग जिस पे कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग करेंगे, और यहाँ का जो प्रोड्यूस होगा वो भी, जो प्रोड्यूस होगा वो भी काफ़ी स्मॉल होगा। और हम बात करेंगे अभी इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में। तो इन इंटेंसिव फार्मिंग अ फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर टू कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसमें जो फार्मर होते हैं उनके जो टूल्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वो सब सिंपल होती हैं, जैसे कि प्लग्स, ऑक्स, बैल। ठीक है, ओके, ऐसी ऐसी इनके इंटेंसिव टूल्स होते हैं, सेकल। ओके, तो इसी के साथ जो ये इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें भी प्लॉट पे ही फार्मिंग होगी, एक प्लॉट होगा उस पे फार्मिंग होगी, बट इस प्लॉट्स पे ये लोग यूज़ करेंगे लेबर को, मतलब कि लेबर जो होगी वो ज़्यादा होगी यहाँ पे, टू कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जो कि इस छोटे से प्लॉट को उसको कल्टीवेट करेगी। ठीक है, और जो यहाँ की प्रोडक्शन होगी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ज़्यादा होगी, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो जिन जिन बच्चों ने बुक पढ़ी है, तो इसमें ये लास्ट में है कि फार्मर्स इन इंडिया एंड फार्मर्स इन यूएसए के लिए, उसका एनालाइज करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। तो अब ये क्वेश्चन हमें उसी में से पूछ रहा है कि लाइक फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ फार्मर्स इन द यूएसए एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड द इंटरनेट। तो ये हमें कुछ एडवांस में जाने को कह रहा है कि हमें मैगजीन्स भी पढ़नी हैं, ठीक है, या पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करके, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आप गैदर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो बुक से, न्यूज़पेपर से, या फिर इंटरनेट से, तो आप कर सकते हो उसको। तो इसी का आंसर है कि द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन फार्मर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर इन द यूएसए। ठीक है, ये सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जैसे मैं जानते हैं कि जो फार्म साइज़ है इंडिया में और यूएसए का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एवरेज फार्म साइज़ आई थिंक 250 एक्टर्स है यूएसए में, और इंडिया का कभी कभार 1.5 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये टाइप का इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो एक 70% पीपल जो हैं वो डायरेक्टली इसमें एक्टिवली पार्ट लेके काम करते हैं, और साथ में मेन मोर देन 80 और 90 जो कि इसके एक्टिविटीज़ के साथ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एन इंडियन फार्मर डज नॉट हैव मच लैंड वेयर एज द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 एक्टर्स। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि जो एवरेज साइज ऑफ लैंड है यूएसए में वो 250 हेक्टर्स है, बट जो इंडिया में है कभी कभार फार्मर के पास इतनी सी भी लैंड नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से कोई कल्टीवेशन कर सके या कोई क्रॉप को ग्रो कर सके, उसको कभी कभार किसी की ज़मीन पर काम भी करना पड़ता है। एन इंडियन फार्मर लिव्स इन हिज हाउस बट एन अमेरिकन फार्मर लिव्स इन हिज फार्म। तो जो इंडियन फार्मर्स और अमेरिकन फार्मर्स में हैं, एक डिफरेंस ये है इनका लाइफस्टाइल का, कि जो अमेरिकन फार्मर्स हैं वो अपने फार्म में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने फार्म्स बनाए होते हैं सबसे पहले, और वहीं पे वो रहते हैं, अपना लाइफ वहीं पे ही सिक्योरली जीते हैं। और जो इंडियन फार्मर्स हैं, दे लिव इन देयर हाउसेस, वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक बार कल्टीवेशन करके आते हैं या फिर छोड़ देते हैं उसे ऐसे ही, तो फिर वापस घर पे बीच बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अ फार्मर इन इंडिया अप्लाइज हिज ओन एक्सपीरियंस
तो जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो अपने अपने एक्सपीरियंस लगाते हैं एंड एडवाइज ऑफ अदर फार्मर्स एंड एल्डर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है, एल्डर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो या तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस लगाते हैं या फिर अपने साथी दोस्तों से जो भी फार्मर्स हैं उनके उनसे डिस्कस करते हैं, या फिर कोई भी बड़ा जो पुराना होता है, बूढ़े वगैरह होते हैं उनसे डिस्कशन करते हैं कि हमें किस टाइप में फार्मिंग करनी चाहिए अपने खेतों में, या क्या क्या चीज़ें हैं इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र या फिर कौन सी ऑर्गेनिक खाद वगैरह, मैन्योर्स वगैरह कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, ये सब, और कौन सी क्वालिटी का हमें धान लेना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, वो सब वो लोग डिस्कस करते हैं। बट अ फार्मर इन द USA गेट्स हिज सॉइल टेस्टेड इन लेबॉरेटरीज टू असेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। तो जैसे कि अभी वैसे इंडिया में भी है सॉइल टेस्टिंग की काफ़ी लेबॉरेटरीज हैं जिसमें हम करा सकते हैं अपनी सॉइल का टेस्ट करा सकते हैं कि वो कौन सी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ईजी है या एसेसिबल है, ठीक है, उसकी टोपोग्राफी क्या है उस सॉइल की, सब कुछ वहाँ का, मतलब जो जो फैक्टर्स अगर हमें चाहिए तो हम तो वैसे कर सकते हैं अपने खेतों के लिए। अगर किसी के पास खेत हैं घर में तो वो अपने अपने खेतों में एग्रीकल्चर का कुछ भी कल्टीवेशन करना चाहता है तो वो तो कर सकता है आसानी से, क्योंकि वी ऑल आर मतलब नॉलेजेबल नाउ। तो इसी के साथ जहाँ पे कि ये बात कर रहे हैं कि जो USA का भी है तो वो क्या करते हैं अपने सॉइल टेस्ट करवाते हैं लेबॉरेटरीज में से ताकि उन्हें अपने न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल का पता लगे, ठीक है। एंड इंडियन फार्मर डज नॉट नो ऑफ एनी टेक्निकल एडवांसमेंट वेयर एज अ फार्मर इन USA हैज़ अ कंप्यूटर विच इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट। तो जो इंडियन फार्मर है उसके पास तो कोई उसके पास कोई भी टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे वो अपने फार्मिंग प्रैक्टिस को या फिर अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सके या अपने कल्टीवेशन को, अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोड्यूस को बढ़ा सके, ठीक है। वेयर एज़ अ फार्मर, जहाँ की जो USA का फार्मर है उसने अपने पास क्या रखा होता है, एक कंप्यूटर होता है जो कि सैटेलाइट के साथ लिंक्ड है जिससे उसे फ्रीली एसेसिबल इंटरनेट मिलता है ताकि वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज को ग्रैब कर सके। तो इन कंपैरिजन टू एन इंडियन फार्मर एंड अमेरिकन फार्मर इज़ मच मोर एडवांस्ड इन एवरी एस्पेक्ट। तो जैसे कि ये सब बातें कर रहे हैं कि लाइक जैसे कि इंडियन फार्मर हैं उनकी हालत जो है USA वाले फार्मर से काफ़ी अलग है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर एवरेज साइज़ ऑफ लैंड जो है USA के फार्मर्स का या USA के फार्म्स का और इंडिया के फार्म्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और इसी के साथ कि जो फार्मर्स हैं वो कौन से हाउसेस में रहते हैं या कौन से फार्म्स में रहते हैं ये भी बताया इन्होंने हमें। और जहाँ तक कि टेक्निकल एडवांसमेंट की बात है तो वो इंडिया में इस टाइम पे तो अभी भी है थोड़ी थोड़ी जगहों पे, बट कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये फुल्ली टेक्निकल एडवांसमेंट जो है पूरी तरह से अवेयर नहीं हुआ है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी भी कुछ लोगों को, तो ये होना चाहिए। ओके, इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें बताइएगा ताकि हम आपको एक और वीडियो लेक्चर तैयार करके दे दें, क्योंकि इसके बाद इसकी डीप में जो स्टडी है वो भी अलग से कराई जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।